खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। कल कश्मीर के अनंतनाग, देश के दुश्मनों ने एक बार फिर से यहां पर खून खौलाने वाला काम किया है। अमरनाथ यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले साउथ कश्मीर के अनंतनाग में फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों के निशाने पर इस बार भी सुरक्षा बलों की गाड़ी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला भीड़भाड़ वाली सड़क पर किया। झज्जर हरियाणा के रहने वाले एएसआई रमेश कुमार शहीद, नलबारी असम के रहने वाले एएसआई निरोद शर्मा शहीद, मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले सिपाही सत्येंद्र कुमार शहीद, गाजीपुर यूपी के रहने वाले महेश कुमार शहीद, देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले संदीप यादव शहीद हो गए, जबकि अनंतनाग थाने के एसएचओ अरशद अहमद समेत 3 जवान भी हमले में घायल हुए हैं। आतंकियों ने केपी रोड पर सीआरपीएफ के काफिले पर पहले गोलियां बरसाई, फिर ग्रेनेड फेंके। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।